क्या विचार है इंडिया के ऊपर। यार वो वाली नहीं गाली निकालते जैसे तुमने कर रहे हो। पाकिस्तानी गाली नहीं देते। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह एक महीने। अबे इंडिया कहाँ से आ गया तू? हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप के हाल हैं आप लोगों के? मेरे साथ ये भाई देखो, बताओ ये भाई कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं? गाइस, इससे पहले कि मैं इस बात का आंसर करूं, प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो और उसके साथ में ना एक बेल आइकन होगा वो भी दबा दो और मुझे डीएम करो इंस्टा पे या फिर कमेंट पे करो, मैं रिप्लाई करता हूँ सबको, क्योंकि भाई मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, कोई यूट्यूबर कोई सेलिब्रिटी कुछ नहीं हूँ। सो गाइस लव यू। ये भैया हैं पाकिस्तान से। मैं बहुत दिनों से पाकिस्तानी ढूंढ रहा था पाकिस्तानी। तो इनका नाम है जमान। जी जी, मोहम्मद जमान। इंट्रोडक्शन दो ना। मोहम्मद जमान फ्रॉम पाकिस्तान, फैसलाबाद। फैसलाबाद जी। कोरिया बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ पे पैसा कमाना है तो मेरे ख्याल में यूरोप से भी बेहतर मुल्क है। एक महीने में इंसान $5,000 आसानी से कमाता है तकरीबन। हाँ, पैसा मतलब पैसों के मामले में और शांति के मामले में ना मेरे हिसाब से यूरोप से तो अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है, पुरसकून माहौल है, मेरे ख्याल में दुनिया के पहले नंबर पे है इंसान के हिफाजत के हिसाब से ना, जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी को हर लिहाज से महफूज बनाया जाता है। वाह वही वाह, उर्दू उर्दू उर्दू। लेकिन एक बात बताओ, पाकिस्तान बोदा कोरिया, मतलब पाकिस्तान और कोरिया में क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान और कोरिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुमको डर तो नहीं लग रहा है गाली देंगे? कोई पता नहीं है। कोरिया में बहुत सुकून है, मतलब इंसान काम करता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक महीने काम करो इंसान अपनी गाड़ी ले सकता है, घर बना सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में इस तरह करने के लिए बहुत मुश्किल है कि आपको सालों साल लग जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो भी जिसका अपना आबाई मुल्क होता है वहाँ जाके उसको सुकून मिलता है, अपने माँ बाप जो अपना भाई देश होता है, अपना देश होता है। हाँ, यहाँ पे जितना भी अच्छे कंट्री हो, यहाँ ना चाय के खोके नहीं मिलते हैं। सही बात है, सही बात है। यहाँ समोसे नहीं मिलते हैं। मिलते भी तो बेकार होता है। यहाँ आलू चना नहीं मिलता है, भुजिया नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे पिज्जा बर्गर खा के गुजारा करना पड़ता है। माँ बाप का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। सही बात है। तो एक बात बताओ, जैसे तुम कोरिया आए, पहला कि तुम्हारा क्या था? मतलब होता ना, ये तो ऐसा होता कि यार कहाँ आ गया, या फिर होता है यार कहाँ आ गया मैं। ओ कुछ ना पूछो यार, जब मैं पाकिस्तान में था मैं यूनिसेफ में जॉब करता था, तो मैं कोरिया आ गया पहला दिन फैक्ट्री में, ओ मैंने कहा अजाब में आ गया हूँ मैं, इतना मुश्किल काम होता है इधर, बस कुछ ना पूछो। एक महीना मैंने रो रो के गुजारा था, तो वो महीना गुजरा है बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है। महीने बाद जब तनख्वाह मिली है ना, फिर भूल गया हूँ सब कुछ। मैंने कहा छोड़ो पाकिस्तान, इधर ही रहो। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह एक महीने की पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 4 लाख रुपए मिला था। 4 लाख पाकिस्तानी, 4 लाख मतलब इंडियन 2 लाख के आसपास। ये 2015 की बात है, अभी तो इंडियन 4 लाख के बराबर होगी होगी वो तनख्वाह। अब तो ज्यादा सैलरी हो गई है, 7 लाख रुपए तनख्वाह है। ये भाई जो है जवान भाई जो है फैक्ट्री में काम करते हैं और इनको मिलता है अब मेरे हिसाब से इंडियन 4 लाख के आसपास। हाँ ऐसा जवान भाई, जब तुमने मुझे पहला देखा था मतलब ऐसा होता है इंडिया पाकिस्तान का अलग, अबे इंडिया कहाँ से आ गया तू? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, हमारा ऐसा कोई मसला नहीं। हम देखो इकट्ठे घूमते हैं, जब मुझे पता लगा कि मेरी क्लास, जब मुझे पता लगा मेरी क्लास में एक पाकिस्तानी है, ये बंदा बैठा हुआ था डेस्क में, मैं पीछे बैठा था, मैं गया मैंने कहा भाई भाईजान क्या हाल है, तो ऐसे देख रहा है। और ये बताओ खाने में क्या दिक्कत आई तुमको एज अ मुस्लिम एज अ पाकिस्तानी? में पहले आई थिंक मेरे आने से भी 4-5 साल पहले कोरिया में मुस्लिम फूड्स का बड़ा इशू होता था, खाने का बहुत मसला होता था। अब तो बहुत आसानियाँ हैं, तकरीबन हर शहर में होटल हैं, हलाल फूड मिलता है, बहुत मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं इधर ना। तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह के मुल्कों से बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग इधर हैं, इसलिए हर तरह का फूड मिल जाता है आसानी के साथ। अब कोई दिक्कत नहीं होती है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं है कोई दिक्कत, बस वो ढाबे वाली दिक्कत होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। साउथ कोरियन कल्चर
मतलब काम का कल्चर, वर्क कल्चर और पाकिस्तान का वर्क कल्चर कौन सा बेस्ट है? बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का वर्क कल्चर तो ये है, काम कर लिया ठीक है, नहीं किया तो फिर भी कोई मसला नहीं है। एक दिन काम कर लिया 10 दिन खैर है। इधर तो एक दिन छुट्टी करो तो अगले दिन कोई पता नहीं है खाना है कि नहीं है। इधर मतलब काम के बगैर गुजारा नहीं हो सकता एक दिन भी। अच्छा भाई, अब साउथ कोरिया पाकिस्तान हो गया, अब पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया भाई लोग हमें माफ करना यार, आप लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर दोगे। नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान इंडिया क्या विचार है इंडिया के ऊपर? यार इंडिया हमारा हमसाया देश है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे है कि हमें सब कुछ बुला के इंडिया को अपने देश की मतलब करना चाहिए और पाकिस्तान गाली गलौज होनी चाहिए यार। गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, इंडिया अपने देश के लोगों को ऊपर लेके जाए, पाकिस्तान अपने देश के लोगों की पता है के लिए काम करे। पता है जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही BCMC कर रहा होता हूँ, तो ये कहता है यार क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, मतलब पाकिस्तान में ना ये मतलब लड़ाई झगड़ा हमारे लोगों में तो इस तरह की गाली निकाले तो पिज्जा खाने जाएंगे और कुछ भी कहो गाइस। इसके साथ में बहुत वीडियो सुनाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को भी। हाँ भाई, पाकिस्तानी गाली नहीं देते। नहीं गाली देते हैं लेकिन इस तरह नहीं देते हैं, बीसी वाली गाली नहीं देते हैं। इंडिया में बीसी इज लाइक बीसी इंडिया में गाली कोई है बीसी तो हेलो होता है, हम हेलो में ऐसे नहीं बोलते हेलो। हाँ भाई बीसी पर हमारे में ऐसे नहीं होता है यार। अभी हम जा रहे हैं पिज्जा खाने, तब तक आप भी पिज्जा खाओ, जो खाना है खाओ, कमेंट लिखो, गाली दो दोनों को। ओके इंदो खा बस, इंदो ना ना जा वो खान खा बस। उरी उरी मुना तो मुना मोम उल्कुल मुमशी मोदे पासो ताकतो बोले हम नारा है ना, हम नारा है पाकिस्तान इंडो बांग्लादेशी श्रीलंका हाथ हम नारा है। सही नहीं ये योजा दल इंडो खा खासे हो ये लोग के सेक्सी डांसर्स हो। हाँ या इगो योगी हाथ से हो इरोके कौन है वो कोरियन है, ये कोरियन इंडो खास है। इंदो मुसो हो ये हो जा इंदो मुसो हो इंदो विहो में हो इरोके मारे से हो इंदे उन इंदो आनुसो हो आनुसो किंजा इंका क्योंकि जब बुनाया चाहिए इंका साशरन इंदो का हम को पता नहीं चौकम जब सोते की नाच्चा ना इंका फिर क्या सेंगा कर हाने को जी कुम तो कातुं गया उन्हीं ने करी सेंगा इंदे मीगो फैरम दे रहा छोटा सा वीडियो था, ठीक है। मतलब मैं बस ये बताना चाहता कि हाँ भाई अब मैं एक पाकिस्तानी भाईजान से मिल गया हूँ, ऐसा छोटा है मेरे से, तो अब इसके साथ और भी वीडियोस बनाता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओ अल्लाह हाफिज़ कह रहा है वो। अल्लाह हाफिज़।